23 जुलाई 2024 को जब बजट पेश हुआ तो शेयर बाजार में काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स के साथ साथ सेक्टर्स भी काफी वॉलिटाइल देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा शेयर जिसे बजट 2024 का पूरा फायदा मिला वो है आईटीसी। आईटीसी के शेयरों में जहां 23 जुलाई को 5% की तेजी देखने को मिली, वहीं 24 जुलाई को जब बाजार खुले तो एक बार फिर आईटीसी ने तेजी दिखाई और पहली बार आईटीसी का शेयर 500 के लेवल्स को पार किया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही, जानेंगे इस वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बजट 2024 पेश होने के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टोबैको पर लगने वाले टैक्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया और 2023 के नेशनल कैलामिटी कंटाइंजेंट ड्यूटी को 16% पर स्टेबल रखा, जिसका असर आईटीसी के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बजट 2024 का एक बड़ा फोकस रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने पर रहा। सरकार रूरल एरियाज में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कई स्कीम भी लेकर आई और इन सभी स्कीम का एक बड़ा बेनिफिशियरी आईटीसी हो सकता है। इसके साथ ही रूरल कंजम्पशन में बढ़त का फायदा आईटीसी के नॉन टोबैको बिजनेस जैसे कि एफएमसीजी और एग्री प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही कई फैक्टर्स के चलते 24 जुलाई को भी आईटीसी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। रिटेल पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ ब्रोकरेज हाउस जैसे कि जेफरीज ने भी आईटीसी को लेकर अब एक नया टारगेट दे दिया है। जेफरीज ने आईटीसी के लिए 585 रुपीज पर शेयर का टारगेट दिया, जिससे आपको करीब 15% का मुनाफा मिल सकता है। आपकी बजट 2024 के बाद आईटीसी के शेयरों पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।